जय श्री राम फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारी मंडी वाले चुतवा कर रहे हैं जो कि 27 से स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम उसका फर्स्ट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जैसे आज हम सबसे पहले पोस्टर लगाएंगे अपने टपियाल में, अपने नरसिंह मंदिर, अपने पंतों के मल्ले, अपने बोटियों मल्ले, अपने वो वाले तालाब में अभी सारे हम जा रहे हैं भाई लोग। जैसे देख सकते हो अब ये सारे इधर चाय पीने आए हैं, तो अभी सतवा के लिए हम पोस्टर लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उसके बाद हम ऑटो भी घुमाएंगे 2-3, जिससे लोगों को पता चलेगा कि हमारी मंडी में सतवा है। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सतवा में जरूर आए, ये 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक चलेगा। तो प्लीज़ जतिन जी, आप भी हमारे जो जितना भी सतवा का जितना भी सब कुछ होगा आपने सब रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डालना है, लोगों को बताना है कि जो लोग हमारे नहीं आ सके, जो लोग हमारे मंडी के, हमारे घंघवाल के, हमारे और कहीं के बाहर बैठे हैं, वो भी आपके माध्यम से यूट्यूब से आपके चैनल से देख सके हमारा सतवा। जय श्री राम, और बाकी अपडेट मैं आपको आगे दूंगा। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो हमने अपनी शुरुआत चाय पीने से की है। ये हम शीला भैया जी के ढाबे पे आ चुके हैं जहाँ की चाय गढ़वाल में बड़ी मशहूर है। देख सकते हो अब ये चाय का कप है और जहाँ पे ये मट्ठी मिलती है, देसी मट्ठी बोलते हैं। अभी हम चाय के साथ देसी मट्ठी, उसके बाद हम पोस्टर लगाने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने नरसिंह मंदिर जी से शुरुआत करेंगे, उधर हम अपने सतवा का पोस्टर लगाएंगे जो कि 27 तारीख से स्टार्ट है, सुबह 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। उसके बाद आपको उधर खाने पीने की सारी फैसिलिटी मिलेगी, बीच में आपको चाय पकौड़ा जो जो फैसिलिटी जो जो स्टॉल होगा वो आपको मिलेगा, और लास्ट में 4 बजे के बाद आपको लंगर खाने को मिलेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आपने प्लीज़ सतवा में आना ही आना है। जय श्री राम। तो देख सकते हैं यहाँ पे चाय मट्ठी चल रही है, अभी हमारे यहाँ पे भाई बंधु बैठे हैं, देख सकते हैं कुछ राघव और राहुल, और यहाँ पे देख सकते हैं चाय मट्ठी का आनंद ले रहे हैं ये, और यहाँ पे हमारे राजू अच्छू और संजू अच्छू भी बैठे हैं, देख सकते हैं चाय पी रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, और यहाँ पे देखिए हमारे भाई बंधु पूरा संजू ही ले रहा मैं। तो गाइस पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं पोस्टर लगवाने के लिए। गाइस अभी हमने चाय पी ली है, तो अभी हम जा रहे हैं सुजय जी की बहन में पोस्टर लगवाने के लिए। देख सकते हैं हमारे भाई बंधु आ चुके हैं यहाँ पे, तो हमारे ये संजय जी वो बहन चला रहे हैं, काफी बढ़िया बहन चलाते हैं, और यहाँ पे दव जी बैठे हैं। और दव जी कैसे हो? और यहाँ पे हमारे राजू अच्छू बैठे हैं, देख सकते हैं आप। गाइस जस्ट अभी हम नरसिंह मंदिर में पहुंचे हैं, तो अभी हम नरसिंह मंदिर में फ्लेक्स लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं हमारे भाई बंधु जहां के फ्लेक्स लगा रहे हैं नरसिंह मंदिर में। तो आप देख सकते हैं ये हमारी फ्लेक्स है, हमारी मंडी की फ्लेक्स, काफ़ी बढ़िया फ्लेक्स बनाई है, और आप पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो हमारे दव जी, राहुल कुछ और राघव जी अपना योगदान दे रहे हैं, और हमारे संजू अचू भी यहाँ के अपना योगदान दे रहे हैं, और जहाँ पे खड़े हैं राजू अचू और दातू जी खड़े हैं। हेलो करो, हेलो। तो अभी हमने यहाँ पे हमारी फर्स्ट फ्लेक्स लगा दी है नरसिंह मोहन जी के मंदिर में, तो अभी हम दूसरे गांव में जाएंगे फ्लेक्स लगाने के लिए, तो आप हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सीताराम। तो अभी हम जहाँ से निकल चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे गाँव में फ्लेक्स लगवाने के लिए। जय श्री राम। जैसे आप देख सकते हैं हम रेलवे फाटक के पास आ चुके हैं, ये हमारा एक कॉमन रास्ता है जो रघु चक को भी जाता है और सनूरा राजपुरे नीचे बॉर्डर को जाता है, ये कॉमन रास्ता है। वहाँ पे हमने बीच में सेंटर में अपने शास्त्री जी की, जो खनूर वाले कुलजीत शास्त्री जी हैं हमारे, उनका सतवा होने जा रहा है मंडी में 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, 27 तारीख से लेके 3 नवंबर तक को कुलदीप शास्त्री जी का सतवा है। तो मैं सभी गाँव वासियों से, गगवाल वासियों से, रघुचक वासियों से, सनूरा वासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने हमारे शास्त्री जी के सतवा में जरूर आना है, मंडी में अपनी हाजिरी लगाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं, तो अभी हम पहुंचे ननास में, और ननास में अभी हम फ्लेक्स लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है राजू अचू, ठीक है। टाइट करके करने, एक के साइड लाया।
तो अभी आप देख सकते हैं हमारी ननास में भी फ्लेक्स लग चुकी है, देख सकते हैं आप। तो अभी हम पहुंचे हैं टप्याल में। अभी हम पहले नृसिंह मंदिर गए थे, उसके बाद रेलवे स्टेशन गए थे, उसके बाद ननाथ में गए थे, अभी हम आए हैं टप्याल में। तो हमारे छोटे भाई लगा रहे हैं फ्लक्स, तो बहुत साथ है इनका हमारा। सुबह जो उठते हैं 5 बजे, पूरा उधर सफाई करके अभी पूरा चल रहा है हमारा कार्य। अभी 27 तारीख को हमारा शुरू होगा, आप सभी आइए वहाँ पे। तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ फ्लक्स कहाँ पे लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं शॉप के थोड़ी ऊपर लगा रहे हैं फ्लक्स, काफी बढ़िया लग रही है, देख सकते हैं आप। तो फाइनली हमारी फ्लक्स जो है वो अभी लग चुकी है, देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी पीने को आ गया माजा, माजा पीते हैं। हाँ, तो अभी हमारा जो फ्लक्स का काम है वो अभी तकरीबन खत्म ही हो चुका है, और लास्ट में हम जा रहे हैं अपने गांव मंडी में। तो लास्ट फ्लक्स उधर लगाएंगे, उसके बाद हम सीधा बोंडी में मिलेंगे, सीधा बोंडी तलाई में मिलेंगे हम। हाँ, आप सभी वहाँ पे आए, हमारा सहयोग दें ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे पहुंचाएं, धन्यवाद, शुक्रिया। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमारे यो ब्लॉक के साथ ठाकर साहब जुड़ चुके हैं। तो ठाकर साहब, सतवा के बारे में आपका क्या कहना है? जय श्री राम जतिन जी, जय श्री राधे। हमारे अपने ही टाउन, अपने मंडी में ही बहुत अच्छा कार्यक्रम 7 दिन का सतवा बैठाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सारे गगवाल की जनता बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और प्रभु का नाम जो है जपे, क्योंकि जो कलयुग है इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी हमारी जो लास्ट फ्लक्स होगी, तो अभी हम वो लगाएंगे ठाकर साहब की दुकान के बाहर, देख सकते हैं ये हमारी फ्लक्स है, ठाकर साहब की दुकान के बाहर लगा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है हमारे गांव में सतवा आ गया है? बहुत आनंद में। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस आप देख सकते हैं पहले हमने रेशु भैया की दुकान के ऊपर फ्लक्स लगानी थी, तो अभी हमने चेंज कर दिया, तो अभी हमने फ्लक्स यहाँ पे लगा दिया सीधा ऊपर, देख सकते हैं रोड के सीधा ऊपर लगाई है, काफी बढ़िया फ्लक्स लग रही है, देख सकते हैं आप। और आज हमारे गगवाल में नरसिंह भगवान जी की बारात निकाली जा रही है, देख सकते हैं आप, काफी लोग आए हैं बारात में, देखिए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बोंडी मंदिर में, अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा काम करवाना है। तो बोर देखी, काफी बढ़िया बोर चल रहा है। और दाऊ जी आपका क्या कहना है? बोर फर्स्ट क्लास हो गया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया है। ये देखो कितना फर्स्ट क्लास काम हो गया है, जहाँ जहाँ पे खड्डे वगैरह थे वहाँ वहाँ पे डस्ट डाल के बराबर कर दिया है, जहाँ पे हमने सिंटेक्स लगा दिया है, कई की लाइट बंद होगी, बंदों ने हाथ धोने हुए, तो ये हमारी सिंटेक्स लग गई है 1000 लीटर की, और 3 नल लग गए हैं। इसमें हम पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर चुके हैं कि हमारी संगत जो भी आए उनको किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होए, उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। मंडी वासी हमारे, मंडी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारा उसका ख्याल रखेंगे कि हमारी जितनी भी संगत आएंगी, लेडीज बाथरूम हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखिए आप ऊपर वाला बाथरूम, ये रूम तैयार हो चुका है, वहाँ पे हमारा लंगर बनेगा, आप देख सकते हैं ऑल फैसिलिटीज आर देयर। जय श्री राम। तो गाइस जहाँ पे सतवा बैठेगा 27 नंबर को, तो अपने भी आना सतवा सुनने के लिए, और दूर दूर से जो लोग नहीं आ सकते सतवा सुनने के लिए, वो मेरे ब्लॉग में दे सकते हैं वीडियो सतवा की, मैं पूरी सतवा की वीडियो डालूंगा। तो आप अभी दे सकते हैं, अभी हमारे ये भाई बंधु यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा सा काम है रहता है सतवा का, पेंटिंग है थोड़ा सा, तो अभी हम दिखाएंगे आपको जो भी हमारा काम होगा, और आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना, ठीक है। गाइस जो हमारा प्रोजेक्ट था ना वो पेंडिंग था, तो अभी हमने प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया, तो अभी हमने यहाँ पे ईंटें लगाई हैं, और यहाँ पे नलके भी लगा दिए हैं पानी वाले, पीने वाले, देख सकते हैं दाऊ और राघव जी यहाँ पे काम कर रहे हैं पूरा। और कुछ बोर लगाना चली तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफी बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है अभी हमने।
तो गाइस जस्ट अभी घर पहुंचा हूं और मैं फ्रेश भी हो गया हूं। और आपसे गाइस एक बात कहनी, बड़ी जरूरी है बात कहनी है मुझे। हमारे गांव में सतवाह होने जा रहा है, पूरे 7 दिन बैठेगा और सतवाह होगा 27 नवंबर को सतवाह बैठेगा। और आप भी आ सकते हैं सतवाह सुनने के लिए, जो दूर दूर में रहते हैं वो मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूंगा पूरा सतवाह, ठीक है। तो हमारे गाँव में सतवाह होगा, ठीक है, 27 नवंबर को। जो सतवाह होगा गूढ़ा जट्टा मंडी गगवाल में होगा और बोंडी मंदिर में बैठे जाएगा ये सतवाह पूरा। तो आपको दिखाएंगे पूरा सतवाह का ब्लॉग और आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना। जो हमारे गांव में सतवाह करवाएंगे उन शास्त्री का नाम है कुलदीप शास्त्री। और गाइस आप भी आ सकते हैं सतवाह सुनने के लिए। और आज हमने हर जगह जगह जाके फ्लैक्सें लगाई, जो सतवाह की फ्लैक्स होती है वो हमने लगवाई और हमारे भाई बंधु ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं और इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं।